शॉर्ट टर्म के लिए कहीं का जो पर्टिकुलर वेदर है वो कहलाता है। जैसे हमारे इस नॉर्दर्न इंडिया में अगर हम देखें तो समर और विंटर रेनी सीजन आते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म टाइम के लिए कुछ मंथ के लिए। और क्लाइमेट जो होता है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस का लॉन्ग टाइम का वेदर होता है। जैसे हमको पता है कि इंडिया में बहुत ईयर्स से, पता नहीं हज़ारों सालों से या ऑलमोस्ट 100 ईयर से 200 ईयर से यही वेदर चलता रहता है। यानी कि हमारे एशियन कंट्री में चार सीज़न होते हैं, समर विंटर रेनी सीज़न एंड ऑटम एंड स्प्रिंग भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम आप अमेरिका नॉर्दर्न नॉर्थ साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ पर इस तरह से चार सीज़न नहीं आते हैं। वहाँ आप देखते हैं कि अभी लास्ट ईयर आपने देखा इतना ज़्यादा विंटर सीज़न था कि बर्फ बहुत ज़्यादा गिर रही थी और सब कुछ जम गया था, 0 डिग्री से नीचे चला गया था टेम्परेचर। ऐसा इंडिया में नहीं होता है, बिकॉज ये क्लाइमेट है। इंडियन क्लाइमेट, एशियन क्लाइमेट, इंडियन कॉन्टिनेंट क्लाइमेट अलग है, अफ्रीकन क्लाइमेट अलग है, वहाँ का लॉन्ग टाइम का वेदर है। बट हमको पता है कि अर्थ और एटमॉस्फेयर कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, अपने आप को बदलते रहते हैं। और हमारी ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन बींग की हमारी जो एक्टिविटीज़ है, लाइक पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग जिससे बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा खतरा है। आप देख रहे हैं कोरोना वायरस चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटी का ही नतीजा है। तो हमारी जो पॉल्यूशन और जो हम इतना गार्बेज कलेक्शन, इतना इधर उधर गंदगी होती रहती है, इवन चाहे वो रिवर हो या ओशन हो, सब कुछ गंदा हो गया है। इन सब से भी क्लाइमेट पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर होता है। जब ह्यूमन बींग अर्थ पर नहीं थे या कम पॉपुलेशन थी तो जो अर्थ का क्लाइमेट चेंजिंग का प्रोसेस था वो बहुत अलग था। अब जो क्लाइमेट चेंजिंग का प्रोसेस है वो हमारी एक्टिविटी से कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। तो मैंने बताया ये डिफरेंस है वेदर एंड क्लाइमेट में। अब मैं बात करूँगा नॉर्दर्न इंडिया में, यानी हमारे ये यूपी, राजस्थान स्पेशली या हरियाणा, दिल्ली, ये सब जो स्टेट हैं नॉर्दर्न इंडिया के, जितने भी स्टेट हैं एक्सेप्ट कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि वो वे नॉर्दर्न कहलाएगा, वहाँ का क्लाइमेट चेंजिंग नहीं हो रही है जितना उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड दिल्ली, मैंने जैसे बताया, इन सब जगहों पर हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज इन नॉर्दर्न इंडिया, शॉर्ट में मैं बताऊँगा कि क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है। हो सकता हो आप लोग इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो, या बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो कि ऐसा कुछ हो भी रहा है या नहीं। और ये चीज़ें कोई ऐसा नहीं है कि 10 साल या 50 साल या 3 साल 4 साल में होती है, 100 ईयर के टाइम के बाद ये क्लाइमेट चेंजिंग होती है। तो जो लोग इस लाइन से जुड़े हैं उनको ये चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं और वो समझते हैं कि हाँ क्लाइमेट या वेदर चेंज हो रहा है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि एक टाइम था हम लोगों के चाइल्डहुड का, जो टाइम था बचपन का जो टाइम था वो ऐसा टाइम था कि जब हम लोग ये देखते थे कि जो चार सीज़न हम देखते थे उसके पर्टिकुलर एक मंथ होते थे, पर्टिकुलर टाइम होता था। जैसे विंटर है तो ऑलमोस्ट ये अक्टूबर आते आते विंटर सीज़न शुरू हो जाता था और फेब के लास्ट तक, कहीं ना कहीं मार्च तक भी, या होली जैसे हम कहते हैं होली तक वो विंटर सीज़न चलता था। और मार्च से होली से फिर समर सीज़न की शुरुआत होती थी और फिर वो जून या बहुत ज़्यादा जुलाई तक चलता था और जुलाई से रेनी सीज़न स्टार्ट होता था, बारिश होती थी, बहुत अच्छी बारिश होती थी और फिर उसी बारिश से बाद में विंटर सीज़न आता था। ये सर्किल चलता रहता था, इसी में फेब और मार्च के मंथ में स्प्रिंग एंड फॉल का सीज़न भी आता था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि देखिए अभी सेप्टेम्बर है, ऑलमोस्ट 15-16-17 सेप्टेम्बर है, तो इस टाइम में भी सेप्टेम्बर यानी अक्टूबर आने में ऑलमोस्ट हाफ मंथ बचा है, लेकिन आप कहीं से भी विंटर सीज़न की कोई झलक नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि विंटर आने वाला है। पहले ये जो दीपावली का टाइम होता था,
इस टाइम तक आते आते विंटर सीजन की शुरुआत हो जाती थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि कभी कभी नवंबर के स्टार्टिंग तक समर सीज़न ही रहता है, गर्मी अच्छी खासी रहती है, टेम्परेचर 35 डिग्री तक चला जाता है। और फिर विंटर सीज़न आप देखते हैं कि दिसंबर एंड जनवरी, यही दो महीने ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, 0 डिग्री तो नहीं होता है लेकिन अच्छी खासी ठंड पड़ती है, पूरा फॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है। और रेनी सीज़न भी आप देखते हैं कि इस साल देखिए कितनी कम बारिश हुई, कोई टाइम नहीं है बारिश का, लास्ट ईयर अच्छी बारिश हुई थी, तो कभी किसी ईयर बहुत अच्छी बारिश होती है, कोई ये नॉर्थन इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, किसी ईयर बहुत अच्छी बारिश होती है, किसी ईयर बारिश नहीं होती है। तो ये क्या है कि चेंजिंग हो गई है, वेदर में भी चेंजिंग हो गई है। पहले हम लोगों के टाइम पर एक पर्टिकुलर मंथ हुआ करते थे, अब हम देख रहे हैं कि कोई टाइम नहीं है, बारिश कभी भी हो जा रही है, ठंड कभी भी पड़ जा रही है, विंटर सीजन पता नहीं कब स्टार्ट होता है, समर सीज़न लेंथी हो गया है, समर सीज़न 12 में से ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने होने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ग्लोबल वार्मिंग है, पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग पॉल्यूशन से टेम्परेचर का स्पाइक होना बढ़ गया है, इस वजह से समर सीज़न बढ़ गया है और विंटर सीज़न कम होने लगा है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, ये पहली चेंजिंग आप लोगों ने मोस्टली देखी होगी, ज़्यादातर लोग ये देखते हैं समर सीज़न का पढ़ना या गर्मी का पढ़ना इन शॉर्ट। लेकिन जो अभी हम लोग क्लाइमेट चेंज नॉर्दर्न इंडिया में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो आपको मैं बता रहा जा रहा हूँ, वो इसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा अलग है। वो क्लाइमेट चेंज क्या है नॉर्दर्न इंडिया में, जो मैंने स्टेट बताया नॉर्दर्न इंडिया के जो 20 स्टेट आते हैं, वो क्लाइमेट चेंज ये है कि अब आप हम देख रहे हैं कि जो दिन का समय होता है, दोपहर का समय होता है, सुबह का टाइम होता है, यानी कि सुबह ऑलमोस्ट 9 AM, 8 AM से लेकर शाम के 8 PM तक का जो 12 घंटे का टाइम होता है, मोस्टली हम ये इसमें देखते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने लगा है। कोई भी मंथ हो देख रहे हैं, सितंबर तक में भी अच्छी खासी गर्मी है, अच्छा खासा टेम्परेचर है, लेकिन जैसे ही रात होती है 8 PM के बाद या 9 PM, 10 PM के बाद, 11 PM के बाद, हम देखते हैं कि टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है। और अगर मैं किसी को नेगलेक्ट कर दूँ, एयर कंडीशन की बात ना करूँ, तो नॉर्मल केसेस में कूलर या इन सब जगहों पर भी, ऐसे केसेस में भी हम देखते हैं कि रात में अच्छी खासी ठंड हो जाती है, इतनी तो नहीं जैसे दिसंबर जनवरी की हो, ऐसी तो नहीं होती है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत बारिश भी हो गई रात में तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है। आप अपने वेदर मोबाइल में तो सारे सिस्टम होते हैं, आप उसमें देखिएगा, आपको उसमें देखे टेम्परेचर में डिफरेंस देखिए कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जा रहा है और मिनिमम टेम्परेचर कितना जा रहा है। तो रात तक होते होते ठंड अच्छी खासी मतलब टेम्परेचर में कमी हो जाती है, और ये उम्मीद होती है कि शायद कहीं ना कहीं कूलर बंद करना पड़े, और एसी तो और ही ज़्यादा ठंडा कर देता है अगर हम एसी को हटा दें, और एसी को भी बंद करने की नीड होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाते हैं दोनों वेदर, दोपहर का टेम्परेचर, दोपहर का जो वेदर होता है और रात का जो वेदर होता है, इसमें बहुत फ़र्क होता है। और ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की नहीं है, ये डिस्कवरी ने भी अपनी स्टडी रिसर्च करी है और उसके बारे में भी मैं बताऊँगा, उससे रिलेटेड भी है ये। और देखिए ये जो चीज़ मैंने बताई कि टेम्परेचर और वेदर में चेंजिंग है दोपहर के टाइम के समय के और रात में, काफ़ी डिफरेंस है कि सुबह अच्छी खासी गर्मी होना शुरू हो जाती है, टेम्परेचर राइज करता है, और रात होते होते टेम्परेचर डाउन हो जाता है, अच्छी खासी इतनी तो नहीं लेकिन ठंड हो जाती है, या मोस्टली हो सकता हो डेली ऐसा ना होता हो लेकिन वीक में हो सकता हो 4-5 times ऐसा होता हो कि रात में टेम्परेचर डाउन हो जाए, कूलर बंद करने के का समय आ जाए, और कभी कभी हो सकता है ये रात में गर्मी भी रहे, लेकिन ये चेंजिंग मैं जैसा कि मैंने बताया कोई भी चेंजिंग 1 साल, 10 साल या 50 साल में नहीं होती। तो ये चीज़ जो मैंने बताई, ये जो चेंजिंग है ये पहचान है डिजर्ट में चेंज होने के क्लाइमेट की। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो इस बात को जानते हैं कि जो डिजर्ट रीजन होता है, जैसे राजस्थान का हो गया या सहारा हो गया, थार डेजर्ट हो गया, डिजर्ट रीजन के क्लाइमेट की पहचान आप लोग जानते हैं ये होती है कि दोपहर का जो टेम्परेचर होता है वहाँ बहुत ज़्यादा राइज करता है, इवन अगर रेगिस्तानी इलाका है तो 40 तो नॉर्मल है, 50 डिग्री तक भी वो टच हो जाता है, हमारे इस नॉर्दर्न एरिया में तो 50 डिग्री नहीं होता है, लेकिन अगर रेगिस्तानी इलाका है जैसा मैंने राजस्थान की बात करी, सहारा या थार डेजर्ट की बात करी, तो टेम्परेचर 50 डिग्री बहुत आराम से टच हो जाता है दोपहर के टाइम में, लेकिन रात होते ही टेम्परेचर 0 डिग्री या 1 डिग्री या 0 तो नहीं लेकिन 1, 2 या 5 डिग्री तक डाउन हो जाता है।
रीज़न, उसका रीज़न ये होता है कि जितनी तेज़ी से लैंड यानी रेत दोपहर में गर्म होती है और गर्मी बढ़ती है, उतनी ही तेज़ी से रात में वो ठंडी भी हो जाती है। इसी वजह से टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और देखा होगा आपने बहुत सारे डिस्कवरी के शोज़ में और अदर शोज़ में कि रात में वहाँ पर इतनी ठंड होती है, राजस्थान में जो लोग रहे होंगे, रात में इतनी ठंड होती है कि आपको वूलन क्लॉथ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन दोपहर में आप राय से बात है वूलन क्लॉथ पहनेंगे तो आई थिंक बेहोश हो जाएंगे। तो इतना फ़र्क होता है कि दोपहर का टेम्परेचर 50 डिग्री टच करता है तो रात का टेम्परेचर 10 डिग्री तक डाउन हो जाता है, क्योंकि रेत जैसा मैंने बताया जितनी तेज़ी से वो हीट को एब्जॉर्ब करती है उतनी तेज़ी से हीट को रिलीज़ भी करती है, ये वहाँ का टेम्परेचर होता है। इसी को आगे बढ़ाकर मैं छोटे से शॉर्ट में ये बताऊंगा जो अगली वीडियो में मैं और एक्सप्लेन करूंगा कि सहारा डेजर्ट की अगर आपको बात करें, सहारा रेगिस्तान जो कि अफ्रीका में है, एक समय पर वो सहारा रेगिस्तान हरा भरा हुआ करता था, जंगल थे वहाँ, पेड़ पौधे थे, झील थी, तालाब थे, लेकिन वहाँ का भी वहाँ का भी क्लाइमेट चेंज हुआ धीरे धीरे, 1000 साल 10000 सालों में वहाँ का क्लाइमेट चेंज हुआ, वहाँ पर भी ऐसे ही मौसम बदलना शुरू हुआ, गर्मी बढ़ने लगी, ठंड कम होने लगी, और चाहे जाहिर सी बात है आप जब गर्मी बढ़ेगी तो पेड़ों को पानी की ज़्यादा नीड होगी, और अगर उनकी जड़ बहुत दूर तक नहीं जा पा रही है या वाटर लेवल बहुत डाउन हो जाएगा तो पेड़ सूखने लगेंगे। ऐसे ही सहारा डेजर्ट में भी हुआ कि वहाँ का क्लाइमेट चेंज होना शुरू हुआ और वो सहारा डेजर्ट, सहारा जो एक समय पर मेडो हुआ करता था, हरा भरा हुआ करता था, वो धीरे धीरे डेजर्ट में बदल गया। उसके बहुत सारे आपको पहचान मिलती है, जैसे वहाँ पर एक सूखी हुई झील भी मिलती है जो मैं अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये क्लाइमेट चेंज रिसर्चर्स ने, नॉट ओनली मी, मैं किसी ऐसे ही बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, रिसर्चर्स ने डिस्कवरी के भी कुछ रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट किया है कि इंडिया, नॉर्थन इंडिया के क्लाइमेट में कुछ इसी तरह की चेंजिंग हो रही है। और ऐसा तो नहीं है कि 10 साल 50 साल में ही कुछ बदल जाएगा और हम लोग रेगिस्तानी इलाके में आ जाएंगे, ये चीज़ें बहुत लॉन्ग टाइम तक होती है और हो सकता हो ये अपोजिट भी हो जाए। अगर टेम्परेचर डाउन होने लगे, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ सही हो जाए, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए, तो हो सकता हो फिर सिर्फ नॉर्मल हो जाए और पहले जैसे सीज़न होने लगे, विंटर सीज़न और समर सीज़न का जो एक रेशियो है वो सही हो जाए। लेकिन वी कांट से कि व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, हम नहीं जानते कि ये अर्थ है, क्लाइमेट है, ये सब हमारे हाथ में पूरी तरह से नहीं है। लेकिन जो अभी तक रिसर्च हुई है उससे ये पता लगता है कि नॉर्दर्न इंडिया का क्लाइमेट बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं नॉर्मल डेज में, जैसा कि मैंने पहली बात ये बताई कि दोपहर का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है और रात का टेम्परेचर 12 बजे के बाद का टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है। पहली पहचान तो ये है। दूसरी पहचान आप देखेंगे वाटर लेवल का डाउन होना बहुत तेज़ी से, हमारे शहर में भी और नॉर्दर्न इंडिया में भी आप देखेंगे वाटर लेवल बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा है। इसके दो रीज़न हैं, पहला बारिश का कम होना और दूसरा रीज़न क्लाइमेट चेंज होना, यानी कि गर्मी का बढ़ना। गर्मी बढ़ने से भी वाटर लेवल डाउन होता है क्योंकि मिट्टी की नमी कम होती है। और तीसरा रीज़न ये भी है, क्लाइमेट का चेंज होना, धीरे धीरे गर्मी ज़्यादा हो रही है, वाटर लेवल डाउन हो रहा है, इसलिए मिट्टी सूख रही है, ड्राई मिट्टी ज़्यादा हो रही है। ऐसी जगह आप देखिए, ऐसी जगह जहाँ अक्सर छोटे तालाब हुआ करते थे, छोटे छोटे मोटे तालाब या झील हुआ करती थी, पानी अक्सर भरा रहता था, वो जगह अब सूखने लगी है। छोटे छोटे नाले नालियों से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इनको सीवर से स्टार्ट कर सकते हैं कि जो छोटे सीवर हुआ करते थे वो अब सूखने लगे हैं, क्योंकि उनका पानी मिट्टी बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब कर रही है, बिकॉज वाटर लेवल डाउन हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर ड्राई मिट्टी है, ड्राई सॉइल है, तो वो वाटर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करेगी, और अगर वो थोड़ा सा नम है, गीली है, तो पानी उसमें थोड़ी देर रुका रहेगा, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी। आप जब पेड़ों को पानी डालते हैं तो इस बात को देखते हैं। तो लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में मिट्टी बहुत तेज़ी से ड्राई हो रही है वेदर के चेंज होने की वजह से, इसलिए उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी डाउन हो रही है। ये सब छोटी मोटी पहचान है, और जो कि मैं डिस्कवरी का मैं आपको बता रहा था, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्कवरी प्लस के एप्लीकेशन पर आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपने उनकी एडवर्टाइज भी देखी होगी, डिस्कवरी एक शो रन कर रहा है इंडिया इन 2050,
2020 इज रनिंग 30 इयर्स के बाद की बात है, जिसमें उन्होंने बताया इंडिया इन 2050, नॉर्दर्न इंडिया स्पेशली इन 2050 यानी 30 ईयर के बाद, और उसमें उन्होंने इसी बात को बताया है कि किस तरह से नॉर्दर्न इंडिया डिजर्ट में चेंज होने वाला है, रेगिस्तानी इलाके में बदलने वाला है, राजस्थान जैसा होने वाला है। हालांकि मेरा पर्सनल ये मानना है और कुछ और अदर रिसर्चर्स का भी ये मानना है कि इतनी जल्दी तो ये बदलाव नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 30 ईयर्स हैं, 2020 इज रनिंग इन 2050 में ओनली 30 ईयर्स हैं, मे बी 30 ईयर्स में इतना बदलाव तो नहीं हो कि बहुत जल्दी रेगिस्तान या रेत हमको दिखने लगे, लेकिन हाँ अगर जिस तरह से क्लाइमेट चेंज रन हो रहा है, चल रहा है अभी, जो इसकी रेट है चेंज होने की, अगर इसी रेट पर चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि नॉर्दर्न इंडिया यानी रेगिस्तानी इलाका, राजस्थान का इलाका बढ़ने लगेगा और नॉर्दर्न इंडिया के मोस्टली जो स्टेट है, शहर है, वो धीरे धीरे रेगिस्तानी इलाके में बदल जाएंगे। ये चेंजिंग आपको 10 साल, 50 साल या 20 साल में तो नहीं देखने को मिलेगी, हो सकता हो और ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन अगर इसी रेट से चेंजिंग होती रही, ग्लोबल वार्मिंग भी ऐसे ही बढ़ती रही, पॉल्यूशन भी ऐसे ही बढ़ते रहे और वेदर वेदर भी ऐसे ही चेंज होता रहा, तो ये मुश्किल नहीं है कि नॉर्दर्न इंडिया जल्द ही डिजर्ट में बदल जाए, रेगिस्तान में बदल जाए और पूरा का पूरा हमारा क्लाइमेट ही पूरा चेंज हो जाए। ये एक्सपीरियंस सभी से लोग कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं रहता है, हम अपनी डेली लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, हमको लगता है कि नॉर्मल समर है, गर्मी है, बढ़ रही गर्मी, ठंडा जाएगी, बारिश होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन अगर आप इस लाइन से जुड़े हैं और इसको अच्छे से एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको ये बात को पता लगेगी कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज होता है, पहले होता रहा है हमेशा से, जैसे आइस एज आए, वोल्केनिक इरप्शन हुए, डायनासोर का खत्म हुए पूरी तरह से, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उस समय पर ह्यूमन बीइंग नहीं थे, फिर ह्यूमन बीइंग आए, उसके बाद भी आइस एज आया, तो ये सब बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हुआ, लेकिन अब काफ़ी चीज़ें बदल गई है पूरे अर्थ पर, ऑलमोस्ट हर जगह ह्यूमन बीइंग रहते हैं और उनकी एक्टिविटी से भी अर्थ इफेक्ट होती है, चाहे वो ओशन फ्लोर हो, ओशन बेड हो या रिवर वाटर हो, हर चीज़ पॉल्यूट हो रही है, एयर पॉल्यूट हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वाटर लेवल डाउन हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग स्पाइक कर रही है, तो इस वजह से क्लाइमेट चेंज होता रहता है, हम अपने डेली लाइफ में बिजी रहते हैं इसलिए हम इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। तो ये इस वीडियो में मैंने स्पेशली आपको यही बताया कि क्लाइमेट चेंज इन नॉर्दर्न इंडिया की, किस तरह से नॉर्दर्न इंडिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, उस पर रिसर्च करी है। जैसा कि मैंने बताया कि दोपहर का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, 35 डिग्री तक जाता है, 38 डिग्री तक जाता है, और रात का टेम्परेचर डाउन होकर 25 तक चला जाता है, लेकिन 10 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है, अच्छा खासा टेम्परेचर 10 डिग्री कम नहीं होता है, और हमको रात में दिन के कंपैरिजन में काफ़ी ठंडा फील होता है, कभी कभी हो सकता हो डेली नहीं होता हो, कुछ जगहों पर हो सकता हो कम होता हो, लेकिन इस इधर उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहर में ये एक्सपीरियंस रिसर्चर्स ने किया है कि दोपहर का टेम्परेचर काफ़ी हाई कर रहा है, राइज हो रहा है, और रात का टेम्परेचर बहुत डाउन हो रहा है, ठंड हो जाती है अच्छी, ये पहचान है डिजर्ट के एरिए की, डिजर्ट रीजन की पहचान है ये, और इस पर ही काफ़ी रिसर्च हुई, इससे ये कहा जा रहा है कि अगर किसी तरह से क्लाइमेट चेंज करता रहा तो नॉर्दर्न इंडिया बहुत जल्द ही डिजर्ट में बदल जाएगा, रेगिस्तान में बदल जाएगा। डिस्कवरी प्लस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें उन्होंने बताया है इंडिया इन 2050 में इंडिया किस तरह से रेगिस्तान में बदलेगा, हालांकि इतनी जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन इस तरह से चलता रहा तो होगा ज़रूर। तो बस इतना ही इस वीडियो में बताना है, अगली वीडियो में इसी टॉपिक को मैं और एक्सप्लेन करूँगा और सहारा डेजर्ट की कहानी भी आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे वो चेंज हो गया डेजर्ट में, कैसे वो हरा भरा होता था हम लोगों की तरह। बाकी आप एक्सपीरियंस करिएगा वेदर को, एक्सपीरियंस करिएगा जो मैंने बताया कैसे चेंज हो रहा है, दिन और रात का टेम्परेचर आप मोबाइल में चेक करिएगा, साथ ही साथ ड्राई मैंने बताया ड्राई हो रही है सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डाउन हो रही है, पानी ज़्यादा देर नहीं भरता है, बहुत जल्दी सूख लिया जाता है, जो कि एक पहचान है कि वाटर लेवल डाउन हो रहा है, वाटर मिट्टी ड्राई है इसलिए उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। ये सब चीज़ें हैं, जो भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछिएगा, उसके अलावा आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम पर @cityacademy के प्रोफाइल।
प्रोफाइल, वहाँ पर इस तरह के अमेजिंग फैक्ट्स आपको और मिलेंगे। क्वेश्चन कमेंट में पूछेगा, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप दूसरे लोगों को भी शेयर करिएगा। बिकॉज हमारे इस चैनल पर आपको कोई इंटरटेनमेंट वीडियो या सॉन्ग इस तरह की वीडियो नहीं, बट ओनली एजुकेशन, स्टडी, रिसर्च और अमेजिंग फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोज, सब्जेक्ट्स रिलेटेड वीडियोज ही मिलेगी। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा, आपने क्वेश्चन पूछेगा। और ये जो क्लाइमेट चेंज अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं करा है तो कोशिश करिएगा एक्सपीरियंस करें, देखें और कमेंट में बताएं कि क्या ये सब आप भी फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।